कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चिकन काली मिर्च, बिल्कुल ही रेस्टोरेंट स्टाइल। और अगर कोई मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ले लिया है आधा किलो चिकन। चिकन आप बोनलेस भी ले सकते हैं या बोन्स के साथ। उसके ऊपर से मैं यहाँ पे डालूंगी 1 कप के करीब दही। भर के मैंने 1 कप यहाँ पे डाला है, घर का होममेड दही है। उसके बाद मैं यहाँ पे डालूंगी 2 टीस्पून हल्की कुटी दरदरी सी ब्लैक पीपर का पाउडर। 1 चम्मच चला गया भर के, आधा चम्मच। उसके बाद इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से यहाँ पे कर देंगे मिक्स। और देखें, उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करूंगी सॉल्ट। सॉल्ट आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट लें। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून लिया है भर के। ये भी यहाँ पे जा चुका है और इसको भी अच्छे तरीके से यहाँ पे मिक्स कर देंगे। तो ये बहुत ही अच्छा और लजीज बन के तैयार होता है चिकन काली मिर्च। तो देखें, अब हम इसको कवर कर देंगे यहाँ पे 30 मिनट के, जिससे अच्छे से मसाला अंदर तक चला जाए। आगे देखते हैं। मैंने यहाँ पे रख दी है कढ़ाई, उसमें मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे बटर। अगर आप बटर ना यूज़ करना चाहें तो आप ऑयल भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बटर का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है ये चिकन में। उसके बाद देखें, मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी, फाइनली मैंने चॉप कर ली है ये प्याज। 1 बड़ी प्याज थी वो मैंने यहाँ पे काट ली है। ये यहाँ पे जा चुकी है। अच्छे से सौते करेंगे इसे प्याज को मक्खन के साथ। ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा हमने इन्हें सौते करना है। फ्लेम जो है इस टाइम पे हाई है, लो फ्लेम पे नहीं करेंगे, वरना बहुत जल्दी गलने लगेगी मींस प्याज। देखें, ये भी अच्छे तरीके से यहाँ पे हो गई है। और जो आपको मोटा मोटा दिखे ना इसमें प्याज में, तो आप इसमें इस चम्मच की मदद से उसे तोड़ दें। उसके बाद देखें, ये तो अच्छे से हो चुकी थी। यहाँ पे मैं ऐड करूँगी काशू नट्स, काजू। ये मैंने 30 से 35 होंगे ये काजू, वो मैंने यहाँ पे ऐड करे। उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करूँगी ग्रीन चिलीज़। ये 3 से 4 ग्रीन चिलीज़ हैं, ये भी मैंने यहाँ पे डाल दी। और इन तीनों चीज़ों को भी अच्छे तरीके से यहाँ पे सौते कर लेंगे। तो ये देखिए, अच्छे तरीके से यहाँ पे सौते कर रही हूँ। फ्लेम जो है वो अभी भी हाई है। और अब हम इसका पेस्ट बना लेंगे तीनों चीज़ों का। तो पेस्ट तो मेरा वहाँ पे बनके तैयार हो चुका है, मैंने उसे निकाल लिया था कढ़ाई में से। उसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पे खड़े मसाले लिए हैं, जो के हैं जावित्री, जायफल, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और लौंग। इसको भी अच्छे तरीके से करेंगे सौते यहाँ पे खड़े मसालों को। इसके बाद देखिए, जो पेस्ट मैंने आपको दिखाया था वो भी बनके अच्छे तैयार हो चुका था, वो भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। हमने यहाँ पे पेस्ट जो ये डाला है वो हम डालेंगे लो फ्लेम पे, क्योंकि हमने इसमें काशू नट्स डाले हैं तो वो जाके चिपक भी सकते हैं कढ़ाई में। तो आप ध्यान रखें जब आप डाल रहे हों। तो देखें, अच्छे तरीके से यहाँ पे भुन चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून गार्लिक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून जिंजर का पेस्ट। और इन दोनों चीज़ों को भी अच्छे तरीके से यहाँ पे कर देंगे मिक्स। अगर आप जिंजर गार्लिक पेस्ट पहले डालना चाहें खड़े मसालों के साथ, अब तब भी ऐड कर सकते हैं और बाद में भी ऐड कर सकते हैं, बात एक ही है। तो देखिए, जिससे मसाले हल्के चिपके नहीं, मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून डाल दिया है वाटर, यहाँ पे पानी डाल दिया है। और अच्छे तरीके से बिल्कुल लो फ्लेम पे यहाँ पे हम अच्छे तरीके से इसे भुनने देंगे मसाले को। तो मसाला तो अच्छे तरीके से यहाँ पे भुन चुका था 5 से 7 मिनट। उसके बाद देखिए, यहाँ पे जो हमने चिकन जो अपना तैयार करके रखा था उसको भी यहाँ पे ऐड कर देंगे। फ्लेम को रखेंगे लो जब हम चिकन डाल रहे हों तो। और चिकन को भी यहाँ पे मिक्स कर देंगे इस ग्रेवी के साथ जो हमने बनाई है। और तकरीबन हम इसे पहले 5 से 6 मिनट भूनेंगे बिल्कुल ही लो फ्लेम पे, जिससे इसका जो कच्चापन होता है चिकन का वो चला जाए। एक खौल आने की वेट करते हैं यहाँ पे। तो देखिए, हल्के हल्के यहाँ पे उबाल टाइप आ रहा है, अच्छे से यहाँ पे चिकन हमारा पक रहा है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। ज़्यादा ओवर मिक्स या विग्रसली मिक्स नहीं करना है हमने चिकन को, वरना चिकन के पीसेस टूट भी सकते हैं। तो देखिए, अच्छे से यहाँ पे भुन रहा है हमारा चिकन ग्रेवी के साथ। तो ये अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब हमें लो मीडियम फ्लेम पर 20 मिनट तक के लिए हम इसे कवर करके रख देंगे। तो देखिए, 20 मिनट यहाँ पर ओवर हो चुके हैं, देखते हैं रिजल्ट कैसे हैं। तो रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे तरीके से देखें भुन चुका है हमारा मसाला इसका। और बीच बीच में मैंने इसको चेक भी किया, ये नहीं कि हमने ढक के रख दिया फिर हमें पता ही नहीं।
आप बीच बीच में इसे चेक भी करें जिससे हमारा मसाला नीचे ना जले, और बीच बीच में आप इसे चलाते भी रहें। तो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से टेंडर हो चुका था चिकन। इसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी मिल्क जो कि है 3 टेबल स्पून, और मिल्क के अंदर क्रीम भी है जो कि है 1 टेबल स्पून। इनको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे यहाँ पर। और जैसे कि आपने देखा कि हमने ग्रेवी में बिल्कुल भी नमक नहीं डाला है, क्योंकि हम आगे बटर डालेंगे तो बटर में भी नमक होता है। तो अगर आप लोगों को कम बढ़ती लगे तो आप सॉल्ट इसमें ऐड कर सकते हैं अपने मुताबिक। तो चिकन तो हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे पक रहा है, और पूरे किचन में इतनी अच्छी स्मेल आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी लेमन जूस, 1/2 लेमन जूस मैं यहाँ पर ऐड करूँगी। काली मिर्च का पाउडर हमने पीस के रखा था दरदरा वो, और उसके बाद गरम मसाला बहुत ही थोड़ा सा 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे ऐड करेंगे कसूरी मेथी, मिक्स कर देंगे इन सब चीज़ों को। चिकन जो है वो अच्छे तरीके से टेंडर है, कुक हो चुका है बनके। ज़्यादा तेज़ नहीं चलाना है, हल्के हल्के चलाएँगे हम। तो आपने देखा कितना झटपट जल्दी हमारा चिकन बनके तैयार हो चुका है। अच्छे से यहाँ पे एक बॉल आने देंगे। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे बटर ऐड करा है। बटर हमने इसमारे यहाँ पे ऐड किया क्योंकि बहुत ही अच्छा एक फ्लेवर देगा एंड में। आप ज़रूर डालें इसमें बटर, अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल दूँगी ग्रीन चिलीज़, 2 से 3 यहाँ पर ग्रीन चिलीज़ हैं, और 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर से रख देंगे ढक के, जिससे अच्छे से घी ऊपर आ जाए चिकन के। तो देखें 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, कितना अच्छा और यमी लग रहा है हमारा ये काली मिर्च का चिकन। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये देखिए बिल्कुल तैयार है ये बनके, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी आई है। बहुत ही बारीक हमारा इसका मसाला बनके तैयार हुआ है, मोटा बिल्कुल नहीं था। तो आपने देखा कितनी जल्दी ये बनके तैयार हुआ हमारा चिकन काली मिर्च। तो चलें इसे अब आपके साथ करते हैं डिश आउट फटाफट से। तो ये लीजिए चिकन काली मिर्च हमारा बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसे आप चपाती के साथ खाएं, रोटी नान के साथ खाएं, जिससे आपको पसंद हो। तो अब मैं आपको उसको दिखाती हूँ तोड़ के कि अच्छे तरीके से गला है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ये टेंडर हो चुका है, बिल्कुल मुलायम इसकी बोटी हो रही है। देखिए कुछ थोड़ा सा गर्म हो रहा था तो मुझे बिल्कुल परफेक्ट। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो दिल से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए टाटा।